गैलम सब पिकनिक पे जाएंगी। ओ, ये ट्रेन तो बहुत लेट आई है। चलो कोई बात नहीं। मैं घर आ गया। वेलकम होम हैरी। मैं शिनचैन और हिमावारी सच में कल की पिकनिक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है हमें एक साथ बाहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है। मैं कल के लिए स्नैक्स बना रही हूँ। आप बताइए क्या आप नूडल्स खाना पसंद करेंगे? बना दूं? तुम्हें पता है मित्सी, आज मेरे ऑफिस में क्या हुआ? असल में मेरे बॉस ने मुझे वो बॉस ने क्या कहा आपको? देखो मेरी बैग पर एक्शन कामिन बना है और हिमावारी की बैग पे मिमिको बनी हुई है। एक्शन किक। ये सब सेल में मिल रहा था तो मैंने खरीद लिया बच्चों के लिए। ये बैग बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ डाल सकते हैं। ये देखो नया एक्शन कामिन वीडियो। तुम पिकनिक मरे से नहीं ले जा सकते, समझ गए? तो वापस रखो इसे। अगर मुझे वहाँ एक्शन कामिन वीडियो देखने का मन किया तो मैं क्या करूँगा? लेकिन तुम देखोगे कहाँ पर, ये तो बताओ। अरे मॉम, एक्शन कामिन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। शिनचैन बेटा, वो कल जो तुम्हारी पिकनिक पर जाना था हमें, मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वो मेरे ऑफिस में कुछ बहुत ही जरूरी काम निकल आया है बेटा, और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। जरूरी काम यानी गोल्फ का गेम? नहीं नहीं, वो तो काम है। आप शिनचैन के सामने झूठ नहीं बोल सकते। खाना शुरू करते हैं। वैसे आज के डिनर में यही सब है या तुमने कुछ और भी बनाया है मित्सी? वैसे ये भी बहुत बढ़िया है, पर ऐसी पूछ रहा हूँ। मैंने ये सब कल के लिए बनाया था लेकिन सब बेकार हो गया, इसीलिए आज ही खाना पड़ रहा है। मैं सोच रहा था कल मैं क्या करूँगा, कल तो मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बोर हो जाऊँगा। एक बात बताओ मुझे शिनचैन, क्या कल तुम मसाओ और अपने दूसरे दोस्तों के साथ खेल नहीं सकते? अरे हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ झूठी पिकनिक खेल सकता हूँ। अरे वाह, उसमें तो मजा आएगा। झूठी पिकनिक? क्या मैं तुम लोगों के साथ चल सकती हूँ? मेरे पास और कोई चारा नहीं है, गोल्फ मेरे काम का एक हिस्सा है। ओहो, आपको गुस्सा आ रहा है, वो भी अपना वादा तोड़ने के बाद? डैड, आपने वादा तोड़ा है। आई आई आई, लगता है आज मेरी खैर नहीं है। फोन बज रहा है, मैं देखता हूँ किसका है। बहानेबाज। हेलो, मैं हिरोशी बोल रहा हूँ। अरे सर आप? जी हाँ, बिल्कुल आऊंगा सर, कल गोल्फ। जी वक्त पर पहुँच जाऊंगा मैं। क्या क्या कल गोल्फ नहीं है? आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना सर? गोल्फ नहीं है। ओ अच्छा अच्छा, बारिश हो सकती है। बारिश? अरे नहीं, ये क्या, बारिश तो शुरू भी हो चुकी है। पिकनिक पर जा सकते हैं लवर। अरे मेरी बात तो सुनो, अगर बारिश हो रही है तो कल हम पिकनिक पर नहीं जा सकेंगे। अब मैं कल सुबह देर तक सोता रह सकता हूँ। हैरी, आप हमेशा अपना वादा क्यों तोड़ देते हैं? मुझे माफ कर दो। शिनचैन बेटा, आई एम सॉरी, माफ कर दो और मान जाओ। पापा तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते। अच्छा, वो मुझे टाइम पर याद आ गया। आज मैं एक्शन कामेंट बिल्कुल मिस नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे देखना ही पड़ेगा। व्हाइट स्नेक गैंग ने मिमिको को पकड़ लिया है, अब हमें देखना है कि वो इस मुसीबत से कैसे निकल पाते हैं। बारिश तो रुक भी गई, मौसम साफ है। हैरी उठ जाइए ना, जरा बाहर जाकर तो देखिए। क्या है? बारिश रुक गई है और हल्की धूप भी खिली हुई है, उठकर देखिए। सुबह सुबह मजाक तो नहीं कर रही हो? अरे मौसम तो बहुत ही खूबसूरत हो गया है ना।
मुझे यकीन नहीं होता इतना खूबसूरत मौसम है। यानी आज होने वाली है एक बहुत ही कमाल की पिकनिक। हैरी मैं बहुत खुश हूँ। जरूर आपके बॉस का फोन होगा, बारिश बंद हो गई है। मुझे यकीन है वो गोल्फ खेलने का प्लान बना रहे होंगे, जाकर फोन उठाइए। मिस्टर नोहरा, आज हमें गोल्फ खेलना था साथ में। अरे कहाँ हो, जवाब तो दो। नमस्कार, नोहरा रेजिडेंस में आपका स्वागत है। मैं हिरोशी बोल रहा हूँ, ये मेरा वॉइस मेल है। इस वक्त हम घर पर नहीं हैं, वापस आते ही आपको कॉल बैक कर लेंगे। बीप के बाद कृपया अपना नाम मैसेज अच्छी तरह बोल दें। शुक्रिया, धन्यवाद। हैरी, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने चालाक हैं, कमाल है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप बीप के बारे में क्या करने वाले हैं? वो आवाज कैसे निकालेंगे बताइए। अरे बच्चों जल्दी करो, उठकर तैयार हो जाओ, हमें जाना है, जल्दी करो। तैयार हो जाओ मतलब क्या, हम भी गोल्फ खेलने जा रहे हैं? अरे नहीं शिनचैन, हम लोग जा रहे हैं पिकनिक पर। हम पिकनिक पर जा रहे हैं। अरे जल्दी से तैयार हो जाओ बच्चों। वाकई बहुत मजेदार पिकनिक होने वाली है।